गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन क्लास सेकेंड बुक। व्हाई मीना कुड नॉट स्लीप, क्यों मीना सो नहीं पाई। वन नाइट, एक रात, मीना कुड नॉट स्लीप। मीना नाम की एक लड़की है जो आगे नेक्स्ट पेज पे आपको फोटो दिख जाएगा। कुड नॉट स्लीप, वो सो ही नहीं पा रही थी। शी सैट अप, वह बैठती है। इन बेड, और बेड पर बैठ जाती है। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और कहाँ देखती है, विंडो के बाहर। शी कुड सी द मून, वह मून को देखती है। इट लुक्ड लाइक द मून वॉज लाफिंग एट हर, और उसे ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था कि मून उसकी तरफ हंस रहा है। इट लुक्ड लाइक मून वॉज लाफिंग एट हर। अब मीना क्या कहती है मून से अपने थॉट्स में, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। लाइक दैट, इस तरह मून, शी सेड, उसने कहा। फिर उसने क्या कहा, यू डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड, उसने मून से क्या कहा, तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है। टुडे बिकॉज इट वॉज इन द मॉर्निंग, क्योंकि जो सब कुछ भी हुआ वो कहाँ हुआ, मॉर्निंग में हुआ, इसलिए आपको पता नहीं है। आप तो कब आए हो, नाइट में। शी ट्राइड टू गो बैक टू स्लीप, वो वापस सो जाती है। द क्लॉक वेंट टिक टॉक, घड़ी की आवाज आती है टिक टॉक। मीना सोचती है द क्लॉक वॉज सेइंग आई नो। फिर मीना क्या कहती है, क्या सोचती है, क्लॉक उससे कह रही कि मुझे पता है। तो मीना क्या कहती है, नो यू डोंट नो। मीना फिर उस क्लॉक से क्या कहती है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता है। मीना सेड, मीना ने कहा, यू वर हेयर इन माई रूम, तुम तो रूम में थे। यू वर नॉट इन किचन डाउन स्टेयर्स, तुम किचन में थोड़ी थे। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है जो ग्राउंड लेवल पे, जो लेवल पे जो होता है नीचे का मकान, उसे डाउन स्टेयर्स कहते हैं, और ऊपर की मंजिल को बोलते हैं अप स्टेयर्स। मीना वॉइस वॉक अप द पैरट, और मीना की आवाज़ ने तोते को जगा दिया। ही लिफ्टेड हिज हेड, तोते ने अपना सिर निकाला अंडर उसके पंखों में से, जैसे रात को सोता है ना, तो सोते हुए पंखों में दबा रहता है उसे। एंड कॉल्ड अप, और बोला, मीना थॉट ही सेड आई नो, मीना को लगा कि तोते ने कहा कि मुझे पता है कि क्या हुआ है। तो मीना कहती, यू नॉटली पैरट सेड मीना, मीना ने कहा कि तुम काफ़ी नॉटी हो। यू वर इन ग्रैंड मदर्स रूम, तुम तो ग्रैंड मदर्स के रूम में थे। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता। पर मीना कुड नॉट गो बैक टू स्लीप, पर मीना वापस सो नहीं पा रही थी। ओह आई विश आई हैड नॉट डन इट, वो कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शी सेड सैडली, उसने उदास मन से कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सून देयर केम अ सॉफ्ट साउंड, तभी एक सॉफ्ट साउंड आई ऑफ फोर लिटिल फीट, 4.5 फुट से। किटी जंप्ड ऑन टू द बेड, और बिल्ली का बच्चा जो किटी है वो उसके ऊपर कूद गया। और किस्ड मीनास चिक, और उसने क्या करा, मीना के चिक को किस किया। यस यू डू नो, फिर वो कहते कि हाँ, यस डू यू डू नो, तुम्हें पता है किटी सैड मीना, मीना ने कहा हाँ तुम्हें जरूर पता है। शी स्टार्टेड क्राइंग सॉफ्टली, वो धीरे धीरे रोने लगी। शी वॉन्टेड टू सी हर मदर, वो उसकी मदर को देखना चाहती थी। सो शी रैन टू द मदर्स होम रूम, इसलिए वो मदर्स के रूम में चली गई। आई एम सॉरी माँ, वो उसकी माँ से कहती है, आई एम सॉरी माँ, आई वॉज वेरी नॉटली टूडे, आज मैं बहुत बुरी हूँ। उसने कहा, शी सेड, आई एट अप द केक, उसने कहा मैंने सुबह केक खा लिया था, दैट वॉज ऑन द प्लेट, जो प्लेट में केक रखा था वो माँ मैंने खा लिया। एंड देन आई शट द किटी, उसके बाद मैंने किटी को उस रूम में बंद कर दिया। किचन टू मेक यू थिंक शी डिड इट, और ऐसा लगे कि आ किटी ने ऐसा क्या है, किटी ने पूरा केक खाया। देन मदर सेड, तो मदर कहती है, आई एम हैप्पी, मैं बड़ी खुश हूँ, यू टोल्ड मी, कि आपने मुझे बताया मीना, बट आई न्यू दैट यू हैड ईटन द केक, पर मुझे पता है कि केक किसने खाया है, आपने खाया है। कैसे, बट मदर आस मीना, मीना ने कहा आपको कैसे पता है माँ, हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता लगा कि इट वॉजन्ट, कही थी कि वो किटी नहीं थी।
तो माँ क्या कहती है, बिकॉज किटी वुड नेवर लीव अ स्पून ऑन प्लेट, क्योंकि किटी कभी भी प्लेट में चम्मच नहीं छोड़ेगी, रिप्लाइड मदर स्माइलिंग, हंसते हुए माँ ने कहा। तो फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू द स्टूडेंट्स यू लर्न, कि डोंट बी से लाइ, कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। और आप छुपचाप भी अगर कुछ गलत काम करते हो तो आपको उसके मन में आपको गिल्टी फील होगा और आपको ऐसा लगा कि सब मुझे देख रहे हैं, सबको पता लग गई ये बात। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, ठीक है, बिल्कुल चोरी छुपे कुछ काम नहीं करें। ऐसा मत सोचिए किसी को पता नहीं, कोई ना कोई तो उस चीज़ को देख रहा है, ईश्वर ही देख रहा है। तो इस चैप्टर से आपको ये लर्न करना है कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको अंदर से सॉरी फील आएगा और आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हैप्पी रहने के लिए कभी भी छिप कर कोई काम नहीं करें। और अगर आपने कुछ काम ऐसा कर भी दिया है तो उसे जाकर जिसके भी माँ को पापा को किसी को भी जाके बता दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट सर।